नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार नर्सिंग ट्यूब के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कुबलर रोस द्वारा दिए गए स्टेजेस ऑफ ग्रिफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेजेस ऑफ ग्रिफ डॉक्टर कुबलर रोस द्वारा दी गई डेथ एंड डाइंग बुक में दिया गया था। इसके बारे में उन्होंने बताया कि जब किसी मनुष्य पर, किसी इंसान पर जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, तो उस कट परिस्थिति के बाद वो मनुष्य किन मेंटल कंडीशन से गुजरता है, उसके बारे में डॉक्टर कुबलर रोस ने अपनी स्टेजेस ऑफ ग्रिफ के अंदर बताया। दोस्तों, पांच तरह की स्टेजेस होती हैं, जिसे हम डाबडा भी कह सकते हैं, DABDA। डाबडा की शुरुआत में सबसे पहले डिनाइल होता है, सेकंड नंबर पे एंगर आएगा, थर्ड नंबर पे उसे बार्गेनिंग करेगा, चौथे नंबर पर डिप्रेशन में चला जाएगा और पाँचवें नंबर पर एक्सेप्टेंस आती है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले स्टेज है डिनायल, उसका संबंध नकारने से है। यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई बुरी घटना या दुर्घटना या कोई बुरी कंडीशन बताई जाए, तो सबसे पहले वो डिनायल करेगा, यानी कि नकार देगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन जिसे हमने एंगर बताया, उसमें जब उस पर्सन को प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं ऐसा है, तो वो एंगर शो करेगा कि ऐसा मेरे साथ ही कैसे हो गया और वाई मी और ये सब। तीसरी कंडीशन जिसे हम बार्गेनिंग कहते हैं, बार्गेनिंग इंसान स्पिरिचुअल पावर से करता है कि नहीं, इतना सीवियरिटी पर नहीं होकर काश ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, तो उसे बार्गेनिंग कहते हैं। चौथी कंडीशन जिसे डिप्रेशन कहते हैं, जब व्यक्ति को पता चलता है कि नहीं, उसके साथ ये कंडीशन हो चुकी है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन का मतलब है म्यूट एंड मोशनलेस हो जाएगा और शांत हो जाएगा पूरे तरीके से। पांचवी स्टेज में दोस्तों, व्यक्ति उस चीज़ को, उस घटना को एक्सेप्ट कर लेता है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपने किसी पेशेंट को कहा कि आपको कैंसर हो गया है। कैंसर जैसे आप जानते हैं कि एक जानलेवा बीमारी है, आपको कैंसर हो गया है। पेशेंट का सबसे पहले जो रिएक्शन आएगा वो ये आएगा, वो डिनाइल करेगा उस चीज़ को, वो स्वतः ही नकार देगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे साथ में, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। दूसरी चीज़ में जब आप उसके बाद में जब हम उसे कहेंगे कि नहीं ऐसा ही है, तो वो एंगर शो करेगा, अपना गुस्सा शो करेगा। एंगर खत्म होने पर, ये स्टेज खत्म होने पर जो व्यक्ति है वो बार्गेनिंग की स्टेज में चला जाता है। बार्गेनिंग की स्टेज में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि काश ऐसा ना होकर कुछ और बीमारी या छोटी बीमारी हो जाए या मुझे नहीं हो, वो इस चीज़ को लेकर भगवान से बार्गेनिंग करेगा। चौथी कंडीशन में वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, म्यूट हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा और शांत हो जाएगा। पांचवी स्टेज में वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेगा कि जो होना था भगवान के हाथ में था, जो वो हो चुका, अब होगा जो देखा जाएगा, वो इस कंडीशन में चला जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ी स्टेजेस ऑफ ग्रिफ बाय कुबलर रॉस। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए बने रहें आपके अपने चैनल स्टार नर्सिंग ट्यूब से। धन्यवाद।